सो गाइस ये वीडियो पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना आज वाली है। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। गो डू इट राइट नाउ। वैसे वीकडे हो या वीकेंड हमारी मॉम किचन में सुबह सुबह टाइम पे आ जाती है। सो व्हाट आर यू मेकिंग मम्मा टुडे? आज अच्छा ओके आज मम्मा का कोई फेस्टिवल है और ये किचन में कुछ तो कर रही है। कितना बजे उठे हो तुम पर आज संडे में? ओह माय गॉड, 7 o'clock looks really impossible for me to get up, especially on Sundays. यार मुझे लगता है Sundays को तो एक दिन सोए हम। This is one of my favorite place in the morning where I really love to sit. And since it's a weekend, so we just gonna enjoy our tea one time. And चाय पीने के बाद हम थोड़ा सा घर का काम करेंगे, because as you all know that हम तो कोई maid बुला नहीं रहे। ओके सो आज हमें एक चीज़ ख़त्म करनी है, वो है नाइकी का जो हमें कोड मिला था जो अभी तक यूज़ नहीं किया था, उसको यूज़ करके ख़त्म करना है। एंड आई वॉज डूइंग टू डू सम लिटिल मोर ऑफ शॉपिंग। सो गाइज इट्स लाइक ऑलमोस्ट 3 months to 4 months हम घर का खुद का काम खुद ही कर रहे हैं एंड इतना यूज़ टू हो गया है ना अब तो कुछ पता ही नहीं चलता है और टाइम भी काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है। इनफैक्ट आई फील अब तो मेरा घर कुछ ज़्यादा ही क्लीन हुआ रहता है। एनीवेज सो उसके बाद आई एम मूविंग टू वर्कआउट एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द डे टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है वर्कआउट करने के बाद मैं बिल्कुल थकी हुई नहीं रहती हूँ, इनफैक्ट मेरे अंदर डबल एनर्जी आ जाती है एंड आई स्टार्ट माई वर्कआउट विथ अ वेरी 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 गुड वार्म अप। आई थिंक वार्म अप कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो आपकी बॉडी को काफ़ी लूज कर देता है, मसल्स को काफ़ी एक्टिव कर देता है सो ताकि आप इंटेंसिव पार्ट ऑफ द वर्कआउट भी कर सको। यूजुअली मेरा वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव होता है एंड काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होता है, लाइक आई एम वेरी मच एक्टिव थ्रू आउट द वर्कआउट। आई एम इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ कोर, इनफैक्ट कोर को अप डाउन स्ट्रेच करते रहना एंड दिस इज़ वॉट वी नीड टू डू वाइल डूइंग वर्कआउट एक्चुअली। सो माई वर्कआउट इज़ कंप्राइज विथ लेग्स, एब्स एंड अपर बॉडी and I do lot of variations. I don't do repetitions but I do lots and lots of variations especially for abs and obliques and I also make sure that you know like I do inversions every day and different kinds of you know like inversions and uske baad Riddhi ji bahut acche se at least 10 minutes to dhyan karti hai। सो एज यू गाइस कैन सी गर्मा गर्म खाना रेडी हो गया है क्योंकि इट्स अ टाइम ऑफ कोविड एंड हम बाहर नहीं खाने वाले हैं। सो गाइस वी आर ऑल सेट टू डू सम गुड शॉपिंग राइट नाउ। सो गाइस वी आर ऑल सेट टू डू अ गुड शॉपिंग राइट नाउ एंड माई प्रेफरेंस इज ऑलवेज नाइके एंड H&M बिकॉज मुझे वहाँ से शॉप करना बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। सो गाइस आई फाइनली कम टू द मॉल and it doesn't look as much crowded as it used to be but then it's fine। guys finally I couldn't find something so really good in H&M but I'm going to give a try on forever 21 over here right now but काफी ज्यादा दुकानें काफी ज्यादा shops are closed like legit they are shut down and I really want to feel the vibe what we used to have of going in the mall and you know like just do shopping the food courts and food and all but no yaar aisa kuch bhi nahi hai abhi। शॉपिंग यार बहुत मज़ा आ गया इतने टाइम के बाद बाहर निकल के और शॉपिंग करके।
टुडे वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने इतना ज़्यादा टाइम तक मास्क पहन के रखा था. आई वॉज सो टफ, लिटरली 3 hours आई फेल लाइक आई एम नॉट एबल टू ब्रीद. ऑल्सो थिंकिंग जो डॉक्टर्स हैं जो मास्क पहन के रखते हैं, किड्स पहन के रखते हैं, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर देम. आई मीन रियली आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस थिंग टू यू नो लाइक सेटल डाउन टू गो. Most important part is I'm really happy today because going out, stepping out has really given a good and new vibrations all over the body and to the mind as well. So just one thing, this is not something where I'm encouraging you to step out and do shopping, but I really wanted to do. So I made a choice, you know, to go out, maintaining my precautions and everything, and then do shopping, maintaining the social distancing and sanitization. I think every mall had a great precautions. They were looking forward for the social maintenance, along with every corner of the malls were having sanitizers. So this was pretty cool, pretty amazing. I really enjoyed today out.